साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको अमावस्या का अचानक धन प्राप्ति का एक बहुत ही खास उपाय, एक रेमेडी दे रहा हूँ। कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आ जाता है कि अचानक धन की प्राप्ति हो जाए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मनी रिलेटेड जो भी परेशानी हो दूर हो जाए, आर्थिक संकट दूर हो जाए, तो दोस्तों हर अमावस्या को आप इस प्रयोग को, 5 मिनट का ही प्रयोग है, इस रेमेडी को आप अमावस्या के दिन करके देखिए। 2 दिन में आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। कहीं से भी होगा, आपको ये नहीं सोचना है। देखिए कोई भी उपाय करते हैं तो पहले विश्वास और आस्था उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो पूरे विश्वास के साथ में आप दिन भर में रात्रि 12 बजे से पहले इस प्रयोग को अपने घर में कर सकते हैं। 5 मिनट का ये प्रयोग है और कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। बस थोड़ा सा सावधानी आपको ध्यान रखनी है कि नॉनवेज वगैरह आप नहीं लेंगे, ठीक है। अमावस्या, हर अमावस्या के दिन इस प्रयोग को करिए। आपको 2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं से अचानक ही धन की प्राप्ति होगी। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से रेमेडी को आप कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए पैसा इंसान की आम जरूरत है। पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती है। घर परिवार चलाना है, बच्चों की फीस पेड करना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखना है, हर चीज में पैसों की जरूरत पड़ती है ना। और कभी कभी की जिंदगी में ऐसा वक्त भी आ जाता है कि अचानक से धन की जरूरत पड़ जाए, तो आप इस रेमेडी को अमावस्या के दिन में जरूर करके देखिए। बहुत ही पावरफुल और टेस्टेड ये रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर पूरे विश्वास के साथ में, फुल फेथ के साथ में इस रेमेडी को आप करेंगे, आप देखेंगे 2 दिन के अंदर ही कहीं ना कहीं से आपका ऐसा कोई काम बन जाएगा या कहीं ना कहीं से कोई भी मतलब ऐसा योग बन जाएगा कि आपको धन की प्राप्ति होगी। तो करना क्या है आपको, आपके घर का जो दक्षिण और पूर्व का जो कॉर्नर है, ठीक है, वहां पर पहले आप थोड़ी सी सफाई कर लें। तो थोड़ा सा हो सके तो अगर गोबर मिल जाता है, गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों गाय माता जो होती हैं, ये इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और यदा कदा गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि यदा कदा माँ लक्ष्मी गाय के गोबर में वास करती है। यदि गोबर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हल्दी वगैरह भी ले सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी से जो कॉर्नर होगा आपका, दक्षिण पूर्व का जो कॉर्नर होगा आपके घर का, वहां पर थोड़ा सा हल्दी या गोबर मिले तो बेस्ट है, नहीं तो हल्दी से थोड़ा सा उसमें लिपाई कर दें, ठीक है। एक कोरा दिया ले लें और दिया दोस्तों थोड़ा सा हो सके तो उसमें स्वास्तिक वगैरह डेकोरेट कर दें थोड़ा सा, और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। और आपको इसमें रुई की बाती नहीं लेनी है, जो मौली हम हाथों में बांधते हैं रेड कलर का जो धागा होता है, इसकी आपको लेटी हुई बाती बनानी है। और आपको घी का दिया जलाना है यहाँ पर, ठीक है। और अपने घर के आप जो दक्षिण आग्नेय कोण जिसे कहा जाता है, यहाँ पर आपको बैठ जाना है, नीचे आसन लगाने, सिर पे कपड़ा डालने, ठीक है, और एकदम स्वच्छ कपड़े पहन करके, स्वच्छ होकर के इस प्रयोग को करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत ज्यादा प्रिय है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो दिए का जो मुख, दिए की जो बाती का मुख होगा, ये आपको आग्नेय कोण में ही जलाना है। मतलब उसका मुख जो होगा कॉर्नर के बीचों बीच होगा, ठीक है। यहां पर बैठ करके और आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से सुक्री मुद्रा लगानी है। पंच तत्वों की मुद्रा होती है, पंचतत्वों की मुद्रा लगाएंगे, दोनों हाथों का से घुटने में रखेंगे और घुटने में रखने के बाद में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को अंदर खींचना है, जहां आपकी सांस की लिमिट खत्म हो जाती है, थोड़ी देर के लिए सांस को रोक देना है और सांस को बाहर छोड़ देना है, ठीक है। ये 11 बार ये प्राणायाम आप कर लेंगे, इससे आपकी आंतरिक शुद्धि होती है, नेगेटिविटी रिमूव होती है, आंतरिक ऊर्जाएं एक्टिवेट होती है। इससे क्या होता है कि जब रेमेडीज करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जब नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपको सबकॉन्शियस में बूस्ट हो जाता है, अब चेतन मन तक ये संदेश जाता है कि आपको धन की प्राप्ति चाहिए, है ना। तो इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सुक्री मुद्रा लगाने के बाद में विष्णु भगवान का, माता लक्ष्मी का और वीनस यानी कि शुक्र, इनका आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। विष्णु भगवान का मंत्र पढ़ लें 11 बार, ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, है ना, 11, 21 जो भी आप पढ़ सकते हैं। ये सुक्री मुद्रा लगा करके ही आपको इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। उसके बाद में माता लक्ष्मी का जो गायत्री मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इसी सुप्रीम मुद्रा को लगा करके आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट इस मंत्र का आप जाप कर लें, ठीक है। और उसके बाद में वहां पर बैठे हुए माता लक्ष्मी से विष्णु भगवान, आपको एक चीज याद रखना है कि आपको अपने यहाँ आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए माता लक्ष्मी का ध्यान करना है विष्णु भगवान के साथ में, कि वो गरुड़ में बैठी हुई है, ठीक है। आपको ये ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना है, क्योंकि गरुड़ में जब माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं तो धन धान्य की वर्षा करती हैं, ऐश्वर्य की वर्षा करती हैं। तो आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ में गरुड़ में बैठ करके आपके यहाँ
आ रही हैं, ठीक है, ये ध्यान करते हुए और इस मंत्र का आपको जाप करना है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। 5 मिनट 10 मिनट इस मंत्र का जाप कर लेंगे। सबसे पहले विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे, विष्णु भगवान का मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद में ही आपको माता लक्ष्मी का मंत्र पढ़ना है, ठीक है। तो ओम नमो नारायणाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर विष्णु भगवान का गायत्री मंत्र है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। इस मंत्र का भी 51 बार जाप करके माता लक्ष्मी का गायत्री मंत्र का जाप कर लेना है। 10-15 मिनट का ये प्रयोग है, ठीक है। उसके बाद में आपको ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको 66 बार यानी कि 66 टाइम इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है। दोस्तों ये प्रयोग करने के बाद में 2 दिन के अंदर आप देखेंगे आपके अचानक ही धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे, कहीं ना कहीं से आपको पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आप हर अमावस्या के दिन यदि इस प्रयोग को करते हैं, ठीक है, 5-10 मिनट का ही प्रयोग है, हर अमावस्या के दिन में इस प्रयोग को करें, उसके बाद में देखिए आपकी जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी। और हो सके तो गुलाब का इत्र, गुलाब की अगरबत्ती और गुलाब का फूल, ये माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है, तो आप एक काम कर सकते हैं, गुलाब का इत्र वहां पर थोड़ा सा लगा दें, गुलाब का फूल वहां पर चढ़ा दें, गुलाब की अगरबत्तियां वहां पर लगा दें, है ना, और हो सके तो 6 इलायची वहां पर रख दें, क्योंकि इलायची जो होती है ये आपके शुक्र से रिलेटेड होती है और साथ में माता लक्ष्मी को इसकी खुशबू बहुत ज्यादा प्रिय होती है। तो ये प्रयोग दोस्तों आप करके देखिए, आप देखेंगे कि अचानक ये दोस्तों प्रयोग वैसे अचानक धन प्राप्ति के लिए है, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि अचानक धन की प्राप्ति हो जाए तो इस रेमेडी को आप करके देखिए। 100% टेस्टेड और प्रमाणित प्रयोग है, बस जरूरत होती है आपके विश्वास की, पूरे विश्वास के साथ में आप करेंगे तो आपको मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि जिस दिन प्रयोग करेंगे उसी दिन आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में 2 दिन का इसका कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अचानक धन की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि आप और विश्वास के साथ में करेंगे, जितना ज्यादा विश्वास के साथ में करेंगे तो उसी दिन हो सकता है आपका कोई बड़ा काम बन जाए या कहीं से कोई ऐसा योग बन जाए कि आपको धन की प्राप्ति हो जाए, है ना। और हर अमावस्या को करते रहेंगे तो कभी जिंदगी में पैसों की कमी नहीं आएगी, पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए, ठीक है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि देखिए YouTube की जो रेमेडीज होती हैं जनरल होती हैं, किसी के साथ रेजोनेट हो जाती हैं, किसी के साथ नहीं होती हैं। यदि आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है या आपका बर्थ चार्ट ही अनबैलेंस है तो क्या होता है कि ये ग्रह जो होते हैं प्लैनेट होते हैं कोई भी योग नहीं बनने देते हैं। तो बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई रेमेडीज की जाती है तो उसका रिजल्ट 100% आता है। तो यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो आपकी फेस रीडिंग द्वारा, आपके नाम, आपके माता पिता के नाम पर, एनर्जी बेस पर आपकी जो भी समस्या है उसका 100% आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। यदि घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, यदि आपका घर का वास्तु अनबैलेंस है या आपके घर में किसी प्रकार के तंत्र मंत्र किया कराए टोना टोटका ऐसी कोई क्रिया है तो आप कोई भी रेमेडीज करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो अपने घर को प्रोटेक्ट कराने के लिए बंदी सटा करके और कोई भी पूजा विधि मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। यदि घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, पति पत्नी मनमन है या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, ऐसी किसी भी परेशानी का सलूशन मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट करिए, आपकी हर एक समस्या का 100% सलूशन दिया जाएगा जिसका रिजल्ट आप 7 से 11 दिन में साफ साफ देख पाएंगे। किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी कंसल्टेशन चाहते हैं, जो भी अपनी परेशानी का सलूशन मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जानकारी काफ़ी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जानकारी को ढूंढ कर लाने में, एपिसोड बनाने में, आप लोगों तक प्रसारित करने में काफ़ी मेहनत लगती है तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखा करें, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके दोस्तों जानकारी को शेयर करिए, हमारे सनातन धर्म की जानकारियाँ हैं, गुप्त जानकारियाँ हैं, जितना आप शेयर करेंगे और लोगों तक हमारी सनातन धर्म की जानकारियाँ पहुँचेंगी और घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, मेरी दी हुई जानकारी से इस रेमेडी को आप करेंगे बिना कुछ किए इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। अब आप लोग जितने लोगों को जानकारी को शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से इस रेमेडी को करेंगे तो बिना कुछ किए आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो आप किसी को देते हैं वही आपको 100 गुना वापस मिलता है। तो शेयर जरूर करें, है ना, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 100% आपकी हर एक समस्या का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली,
आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। पॉजिटिव रहा करिए दोस्तों, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी, नेगेटिव रहेंगे तो तकलीफें जिंदगी में आएंगी। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।